हे गाइस, केपी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धनिया एक बॉक्स में कैसे ग्रो करना है वो बताऊंगी। धनिया को कई लोग कोरिएंडर या सिलांट्रो भी बोलते हैं। आज मैं आपको धनिया उगाने के साथ साथ उसको 2 से 4 बार हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। इसके लिए हमें एक कंटेनर के नीचे होल्स करके फिर इसमें मिट्टी भर लेनी है। मैंने यहाँ पे जो मिट्टी यूज़ की है वो मेरे गार्डन से ही खुदाई करके ली हुई है। फिर हमें चाहिए कोरिएंडर सीड्स। ये जो सीड्स है वो जो हम किचन में सूखा धनिया यूज़ करते हैं वो ही है। कुछ लोग सीड्स को कूट के आधा कर देते हैं, उससे क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। और कुछ लोग पानी में उसे एक दिन भिजो के भी रखते हैं, उससे सीड्स का जर्मिनेशन टाइम थोड़ा फास्ट हो जाता है। पर मुझे पर्सनली इन्हें ऐसे ही उगाना पसंद है, तो मैं उसे कूट के आधा भी नहीं करती और इन्हें भिजो के भी नहीं रखती। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके धनिया के बीज फ्रेश होने चाहिए। अगर आपके धनिया के सीड्स में फ्रेश वाली खुशबू नहीं है तो हो सकता है कि वो बहुत पुराने हो या फिर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें सीखने के बाद पैक किया गया हो। अगर सीड्स के साथ ऐसा हुआ होगा तो फिर वो बहुत ही स्लो ग्रो करेंगे या फिर ग्रो ना भी करें। तो आप सीड्स की फ्रेशनेस स्मेल करके ज़रूर से चेक करें। सीड्स को हमें इस तरह से मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और फिर उसके ऊपर मैंने पॉटिंग मिक्स का एक लेयर डाल दिया है जो हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है, वरना सीड्स को जर्मिनेट होने में मुश्किल होगी। इसके भी ऊपर मैंने थोड़ी सी रेत यानी कि सैंड भी डाल दी है जिससे कि सीड्स के ऊपर के लेयर में पपड़ी नहीं बनती, उसमें एयरिनेस रहती है और सीड्स जर्मिनेशन के बाद उनको ऊपर आने में मुश्किल नहीं होती। सीड्स के फास्ट जर्मिनेशन के लिए हमें इसे पहले 1-2 दिन के लिए 3-4 बार पानी देके गीला रखना होता है और फिर बाद में हमें दिन में 1 बार या फिर वेदर के मुताबिक पानी देते रहना है। 10 दिन के बाद धनिया के स्प्राउट्स बाहर आ चुके हैं और अब हम इन्हें पानी देना कम कर सकते हैं। पर अगर समर है तो हर रोज सुबह में पानी देना जरूरी है। 15 दिन के बाद हमारे धनिया में ट्रू लीव्स आना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग 3 दिन में धनिया उगाने का वीडियो भी बना लेते हैं, पर कोरिएंडर सीड्स का जर्मिनेशन टाइम 7 to 10 days है, जिसमें कोई भी ट्रिक करके 2-4 दिन फास्ट हो सकता है। पर लोग 3 दिन में हार्वेस्ट साइज का धनिया दिखा भी देते हैं तो वो तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। पर अगर किसी ने सच में एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे गार्डन की मिट्टी ऑलरेडी फर्टाइल है तो मुझे फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर अगर आप फर्टिलाइजर डालना चाहते हो तो इसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे आपको धनिया का एक प्लांट दिखाती हूँ। इसे हम जब भी हार्वेस्ट करेंगे तो इतना ऊपर से हार्वेस्ट करना है पर नीचे का करीब हाफ प्लांट छोड़ देना है जो फिर से उगेगा और करीब 1.5-2 हफ्ते में आप फिर से हार्वेस्ट कर पाओगे। यहाँ पे मैंने हार्वेस्ट के पहले की और बाद की दोनों फ्रेम साथ में दिखाई है जिससे कि आपको आइडिया आएगा कि मैंने धनिया को कितना नीचे छोड़ के ऊपर से काटा है। ये देखो, ये है लेडी बग। इसका यह होने का मतलब है कि ये धनिया बिना किसी हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की मदद से उगाया गया है, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक वे से। देखिए कितना फ्रेश धनिया है और इसकी स्मेल तो एकदम बढ़िया है। इससे मैं अपनी फेवरेट और घर में सभी की फेवरेट चटनी बनाऊंगी जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे ज़रूर से ट्राई करना। तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं जब कुछ और बताना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।